नगर पंचायत करेरा के द्वारा एक शाम स्वच्छता के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक शाम स्वच्छता के नाम कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही। कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया। इससे पहले राज्य पशुधन एवं कूट विकास निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएमओ नगर पंचायत करेरा मधुसूदन श्रीवास्तव, एसडीएम डीसी शुक्ला उपस्थित थे। पुलिस सहायता केंद्र करेरा में बुधवार की शाम आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता पर जोर दिया गया। एक शाम स्वच्छता के नाम कार्यक्रम में मंच का कुशल संचालन नगर के जाने माने कवि सतीश श्रीवास्तव ने किया। कवि प्रमोद भारती के द्वारा स्वच्छता को लेकर कविता सुनाई गई। वहीं स्थानीय कला मंडली के द्वारा स्वच्छता संबंधी गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अटल तिवारी, रामस्वरूप रावत, डॉ ब्रजेश अग्रवाल, रोहित यादव, संगीत राजेश खत्री, सुधा त्रिपाठी, वीनस गोयल आदि उपस्थित थे। स्वच्छता सर्वेक्षण की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास मंत्रालय की होती है और ये सर्वे भारतीय गुणवत्ता परिषद कराता है। सर्वे की शुरुआत सरकार ने इसलिए की थी ताकि स्वच्छ भारत अभियान में लोगों की भागीदारी बढ़ाई जा सके। राज्य पशुधन और कूट विकास निगम के अध्यक्ष जसवंत जाटव ने कहा है कि स्वच्छता से मन मस्तिष्क भी स्वच्छ रहता है, तमाम बीमारियां आसपास नहीं फटकती। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास गंदगी को नहीं भटकने दें। एसडीएम करेरा डीसी शुक्ला ने कहा कि हमें अपने आसपास सफाई रखना चाहिए। सफाई कर्मी भी प्रतिदिन सफाई करते हैं, हमें भी उनका सहयोग करना चाहिए। साथियों, मेरा आपसे आग्रह है, आपके कई प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि भले ही हमारी विकास और प्रगति का कारवां आपको ऐसा लगता होगा कि रुक गया होगा, लेकिन मैं आप रुका नहीं है, ये निरंतर चल रहा है। साथियों, जो जो हमारे प्रोजेक्ट विकास कार्य के नगर पंचायत में हमने रखे थे वो निरंतर चालू है। आज से एक सप्ताह पूर्व ही मैंने एसडीएम साहब के यहाँ बैठ के समीक्षा की थी। चाहे हमारी मंडी का काम हो, जो 3 करोड़ रुपए हमें सब्जी मंडी के लिए स्वीकृत हुए थे, मैंने पुनः आदरणीय एसडीएम साहब से इनसे चिट्ठी लिखवा दी है मध्य प्रदेश सरकार को, और वो राशि हमें पुनः मिलने वाली है। मैं आग्रह करूंगा हमारे प्रशासनिक तंत्र को, वो तत्काल मंडी का कार्य प्रारंभ कराएं। अगर उसमें कहीं भी कोई कमी है, कोई रुकावट है, तो उसको दूर करने का काम करेंगे, और उसे दूर करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई पैसे की कमी नहीं आने देंगे। मैंने यहाँ पर 6.5 करोड़ का बस स्टैंड स्वीकृत कराया है, जो आज मंजूर होकर आज हमें माननीय मुख्यमंत्री ने मंजूरी स्वीकृति कर दी है। यहाँ पर 4.5 करोड़ रुपए का पार्क हमने फूटे तालाब पर, उसका बाउंड्री वॉल का काम हो गया है, लेकिन अगला काम मैं सीएमओ साहब आपसे कहूंगा, दूसरे सत्र का दूसरा स्टेप आप उसमें चालू कर दें। एक हमारा पार्क का निर्माण कार्य फिल्टर रोड पर हो गया है, एक अभी एक नवीन पार्क का निर्माण का कार्य आदरणीय एसडीएम साहब ने हमारे यहीं रेस्ट हाउस के पीछे रखा है। ऐसे निरंतर, और जब मैं एमएलए बना 2018 में, जब मैंने करेरा में जाकर देखा, करेरा वासियों को जब आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले यहां पर इस करेरा के लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे शहर में 38 सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम किया, यहां पर लाइटें लगाने का काम किया, पुल पर रोशनी लगाने का काम किया। साथियों, जो जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, मैं भली भांति उसको हम मध्य प्रदेश सरकार के अंग होने के नाते उसको निभाने का प्रयास करूंगा। आपके विकास और प्रगति में हमारे यशस्वी नेतृत्व के नेतृत्व में आपको कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन शहर को स्वच्छ रखने का काम केवल नगर इस बारे में बोल दिया है कि हमको स्वच्छ कैसे रखना है। केवल एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि इंदौर को आज स्वच्छता का सबसे एक नंबर माना गया, स्वच्छ नंबर एक शहर माना गया है। उसका कारण क्या है, जो मेरे को पता पड़ा है, मैं बता देना चाहता हूं कि उसका केवल एक कारण है कि वहां का हर व्यक्ति, हर आमजन स्वच्छ कर्मी है, सीएमओ है, खुद ही चालान अधिकारी है, सब कुछ खुद है। उसने प्रेरित, अपने आप को प्रेरित कर रखा है, अपने आप को वचनबद्ध कर रखा है कि ना तो मैं गंदगी होने दूंगा और ना ही किसी सामने वाले को या बगल वाले को गंदगी फैलाने दूंगा। यदि वो ऐसा देखता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ने गंदगी फैलाई है, तत्काल उसको रोककर
भाई आपने जो गलत काम किया इसको करें। मैं आप सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि क्यों ना साफ करते हैं। और निश्चित रूप से मैं कहूंगा जो हमारे सफाई के इंचार्ज हैं मुझे 6 बजे फोटो भेजते हैं और काम तो करते हैं। अब हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पॉलीथीन ना फेंकें और अपने घर में रखें, जब गाड़ी आ जाए तब उस कचरा वाहन में डालें ताकि वो सही जगह पहुंच जाए और हमारे इधर उधर ना फैले। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो सब्जी मंडी में कुछ लोग जो होते हैं सड़े गले फल या उसका रैपर वो फेंकते हैं, चाय के जो ठेले लगे हुए हैं उन पर कप्स नीचे फेंक देते हैं। तो यहाँ पर मेरी जिन जिन को आवाज़ जा रही होगी उनसे मेरा बड़ा करवद्ध अनुरोध है कि वो तो दिन में सुबह और शाम दो टाइम वो झाड़ू लगाते हैं, स्वच्छता करते हैं, लेकिन हम दिन भर गंदगी करते हैं, इसका कैसे मुकाबला होगा। हम अपने ऊपर भी नियंत्रण रखें और अपने शहर को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। और मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारी कला मंडली के सारे लोगों को मैं नमन करता हूँ ताकि ये अपने कला के माध्यम से हमें बताएंगे। और भी तो मुझे ज़्यादा बातें नहीं करनी आती, लेकिन मैं ज़रूर आपसे अनुरोध करूँगा कि स्वच्छता के काम में अपना सक्रिय सहयोग करें। और साफ स्वच्छ होगा अगर तो स्वस्थ रहेगा देश। बहुत बढ़िया। सुंदर नगर बनाएंगे, शपथ उठाएं आज, संभवतः शपथ पत्र भी बांट दिए गए हैं। सुंदर नगर बनाएंगे, शपथ उठाएं आज, हम सबके प्रयास से बने राज का ताज। मध्य प्रदेश में हम पहले नंबर पर आए, नाली ना टूटे कहीं, ना कचरे का ढेर, और देर अगर हमसे हुई तो हो जाएगा अंधेर। स्वच्छ करेला को रखें मिलकर सारे लोग, और बीमारी पनपे नहीं, हो गए सभी निरोग। गंदा नगर होगा अगर बढ़े रोग विकराल, और बड़ी मुसीबत दे गया कोरोना का काल। अभी विगत कुछ समय पहले